नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। 9 अक्टूबर 2020 यानी वर्ल्ड पोस्ट डे। पोस्टल सिस्टम भारत में अंग्रेजों के आने के बाद शुरू हुआ था। 1800 की सदी में पोस्टल सिस्टम भारत में लागू हुआ था। इसे तार व्यवस्था, संदेश भेजने की व्यवस्था काफ़ी अच्छी हो गई थी और आज भी ये उतनी ही सरलतापूर्वक सुविधापूर्वक ये काम कर रही है। डिजिटल भारत ने आज पोस्ट को एक अलग ही रूप दे दिया है। वलसाड़ के हेड पोस्ट ऑफिस में सुपरिंटेंडेंट अधिकारी से आज हमारी मुलाकात हुई। आज हमने उनसे बात की और भारत देश का हर पोस्ट ऑफिस, हर डाकघर आज पूरा सप्ताह मनाने जा रहा है, पोस्टल सप्ताह। उसमें 7 दिन अलग अलग प्रवृत्तियां की जाएगी, अकाउंट होल्डर के लिए अलग अलग सुविधाएं दी जाएगी। आइए देखते हैं वो क्या सुविधाएं हैं, वो क्या योजनाएं हैं पोस्ट के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जनता को और क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं। आइए देखते हैं पूरा रिपोर्ट। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य वलसाड़ से। धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बात करते हैं हमारे हेड पोस्ट ऑफिस वलसाड़ ब्रांच के एसपी सर से। पूछते हैं कि आज वर्ल्ड पोस्ट डे है और आज पूरा भारत देश हर ब्रांच में आज पोस्टल सप्ताह, इंडियन पोस्टल वीक मनाने जा रहे हैं, तो यहाँ के पोस्टल जो कस्टमर है, यहाँ के जो अकाउंट होल्डर है, उनके क्या फायदे हैं, उनके लिए उन्होंने आज क्या सोचा है, आइए जानते हैं आज का एक पूरा रिपोर्ट। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आपको परिचय कर दीजिए। मैं अविनाश पाखरे, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस वलसाड़ डिवीजन वलसाड़। मैं भारतीय डाक विभाग की तरफ से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आज का जो वर्ल्ड पोस्ट डे है, इसका औचित्य यह है कि आज के दिन 1874 में स्विट्जरलैंड में 22 देशों के समझौते से विश्व पोस्टल यूनियन का गठन हुआ। भारत 1 जुलाई 1876 को इसका सदस्य बना और 1969 में टोक्यो सम्मेलन में विश्व डाक दिवस मनाने की घोषणा हुई। आज के दिन 192 देश इस संगठन में शामिल है। इसमें देशों में डाक के वितरण में समझौता हुआ है और इसी के कारण आज हम भारत में पोस्ट किया हुआ कोई भी लेटर दुनिया के किसी भी कोने में वितरित कर सकते हैं। और इसी उपलक्ष्य में अलग अलग देशों में ये जो डाक सप्ताह, विश्व डाक दिवस जो मनाया जाता है, अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कोई इसके औचित्य पे कोई नया डाक टिकट जारी करता है, कोई अपनी नई पोस्टल सर्विस जारी करता है। और भारत में हम जो है ये पूरा आज से पूरा सप्ताह डाक सप्ताह सेलिब्रेट करते हैं। इस डाक सप्ताह के दौरान हम 6 दिन जो होते हैं, 6 दिन में अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं। इस साल में हम 9 तारीख को, मतलब आज के दिन वर्ल्ड पोस्ट जो सेलिब्रेट करने वाले हैं, उसमें पोस्ट फोरम की जो मीटिंग है वो हम आयोजित करते हैं। पोस्ट फोरम के मीटिंग में जो हमारे जो गणमान्य सम्मानित जो व्यक्ति है वलसाड़ के, वो उसमें शामिल होते हैं। उसका एक और कमिटी में जो कुछ प्रॉब्लम्स है, जो कुछ सजेशंस है, उसका हम विचार करके उस पर अमल करते हैं।
इस तरह का आज का दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। और 10 तारीख को जो कल जो है, कल हम बैंकिंग डे सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा। इस बैंकिंग डे में हम गांव-गांव तक पहुंचकर जो हमारी बैंकिंग की सुविधा है उसकी जानकारी देते हैं लोगों तक, और उसका जो लाभ है वो सब हम उनको बताते हैं। इस तरह का बैंकिंग डे हम ये करते हैं। आज के दिन में भारत भर में सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट का बैंक होगा तो इंडिया पोस्ट बैंक है। इंडिया पोस्ट बैंक में अलग अलग तरह की सर्विसेस हम देते हैं। और तीसरा जो 12 तारीख को जो है उसमें पीएलआई डे हम सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा। उसमें जो है इंश्योरेंस जो सर्विसेज हम देते हैं, हाँ। वो इंश्योरेंस सर्विसेज का हम लोगों तक इंश्योरेंस सर्विसेज की जानकारी पहुंचाते हैं और उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ हम उनको देते हैं। उसमें अलग अलग तरीके की इंश्योरेंस सुविधाएं होती है। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी जो प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित की गई है उसका भी हम लोगों तक पहुंचाते हैं। उसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा है, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा है, अटल पेंशन योजना है। इस तरह की जो योजना है ये हम लोगों तक पोस्ट ऑफिस द्वारा पहुंचाते हैं। उसके अलावा 13 तारीख को जो फिलैटली डे हम सेलिब्रेट करते हैं। फिलैटली डे में फिलैटली जो है एक स्टैम्प कलेक्शन का हॉबी है। अच्छा। और ये हॉबी जो है वो फिलैटली डे के तौर पे मनाया जाता है। इसमें जो पुराने से पुराने टिकट और जो नए नए टिकट निकालते हैं उसका कलेक्शन होता है, और उसका कलेक्शन करके वो आपस में एक्सचेंज करके वो कंट्री में भी एक्सचेंज होता है और यहाँ फिलैटली क्लब भी होता है। अच्छा। उसमें हम जो नए स्टैम्प होते हैं या पुराने स्टैम्प होते हैं उसका लेन देन होता है, और उसका जो है उसका कुछ कीमत भी फिक्स होता है। अच्छा। जितना पुराना टिकट होगा उतना उसका जो वैल्यू है उसका वैल्यू बढ़ जाता है। इस तरह का जो है हॉबी के तौर पे बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद 14 तारीख को जो है बिजनेस डेवलपमेंट डे हम मनाने जा रहे हैं। बिजनेस डेवलपमेंट डे में जो हमारा स्पीड पोस्ट सर्विस है, रजिस्टर पोस्ट सर्विस है, पार्सल सर्विस है, जिसके द्वारा हम लोगों तक पहुंचाते हैं और लोगों का जो अलग अलग पार्सल्स है, अलग अलग आर्टिकल्स या डॉक्यूमेंट्स है वो जो पहुंचाते हैं उसका हम सेलिब्रेट करते हैं। उसमें आपने देखा होगा ये पैंडेमिक सिचुएशन में हमने लोगों के घर घर जाके उनको सुविधा दी है, जिसके कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमने आम जो है आम का हमने लॉजिस्टिक पोस्ट द्वारा हमने बाहर के सिटी में हमने उसका डिलीवर किया है। इस तरह का जो काम है वो हमने इस पैंडेमिक सिचुएशन में किया है। उसी के इसीलिए वो जो बिजनेस डेवलपमेंट डे है वो हम मनाने वाले हैं 14 तारीख को। और 15 तारीख को जो है लास्ट जो डे है उसमें हम मेल डे मनाने वाले हैं। मेल डे मतलब जो डिलीवरी होता है आर्टिकल्स का, उसका जो डिलीवरी करते हैं हमारे पोस्टमैन स्टाफ जो आज के दिन में वो कोरोना वॉरियर्स है। हमारे पोस्टल के हमारे फ्रंट लाइन पे काम करने वाले पोस्टमैन स्टाफ जो है तो उनको हम सम्मानित करने वाले हैं। और इसके अलावा जो विविध क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं कोरोना वॉरियर्स, जैसे डॉक्टर्स है, पुलिस स्टाफ है, नर्सेस है, आप जैसे मीडिया वाले हैं, वो सब जो हम कोरोना वॉरियर्स है हम सबको सम्मानित करने वाले हैं लास्ट दिन में। और वो इस तरह से हम मेल डे मनाने वाले हैं। इस तरह से हम पूरा हफ्ता हम अलग अलग एक्टिविटीज से सेलिब्रेट करने वाले हैं। बहुत बढ़िया, और बहुत सुन के अच्छा लगा हमें कि आपने पूरे विवरण दिया है पूरे सप्ताह का, और सप्ताह के अंदर क्या क्या होने वाला है वो सब विवरण दिया है। और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि लोगों को बहुत ही फायदा होगा। जी जी, निश्चित तौर पे। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत ही अच्छा विवरण दिया गया है हमारे सर से, इस अधिकारी से, हमारे जो हमारे साथ एसपी सर बैठे बच्चा एडमिशन के, कि पूरा सप्ताह आज देश ये मनाने जा रहा है, देश का हर कोना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस पोस्टल डिपार्टमेंट एक ऐसा जरिया है जहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत तेजी से आज बदल रहा है। आज डिजिटल भारत के साथ साथ आज पोस्ट ऑफिस भी डिजिटल हो चुका है। आज स्पीड पोस्ट ही नहीं, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं है पोस्ट ऑफिस दे रहा है, उसका लाभ आप भरपूर उठाइए। और ये सप्ताह हर कोने देश के हर कोना में ये देव सप्ताह मनाया जाए, इसकी आशा के साथ सीमा भट्टाचार्य, उज्ज्वल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। धन्यवाद। घर पर रहिए।